चलिए आगे है आपका दिया हुआ एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में क्या क्या गया है कि आर को निकालिए जबकि ये दिया गया है 5 4 PR = 6 5 PR-1। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, आर को निकालना है। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कैसे निकलेगा आर। देखिए कहीं ना कहीं आप परम्यूटेशन का फॉर्मूले को जान रहे हो, हाँ है ना, परम्यूटेशन के फॉर्मूले को आप कहीं ना कहीं जान रहे हो कि NPR = N·N − R·। बस उसी को यहां पर क्या करना है, केवल अप्लाई करना है। देखो कैसे करोगे, 5 है इनटू में, रहने दो, इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4·4 − R·, होगा ना, = यहां 6 है इसको रहने दो, इनटू इसको जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करने पे 5·5 − R − 1 होगा ना, 5 माइनस, अरे हाँ है ना, N − R·, तो N कितना है 5 और माइनस R − 1 होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होगा, 5 होगा इनटू ये हो गया 4·4 − R·, यहां हो गया 6 × 5·, जब इसको ये जो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, −5 − R और यहां हो जाएगा +1 × होगा ना, 5 − R + 1, तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको मैं इकट्ठे लिखता हूं 6, ऐसे 6 − R। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत रही है ना, अरे इसको समझते हो कि 5 में से एक जुटेगा तो 6 बनेगा और 6 − R का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसका आगे, ये हो गया 5 × 4·4 − R·। = 6 × 5·, ये जो 6 − R है इधर है डिवाइड में, अगर मैं उधर करूंगा इसको तो ये किस में जाएगा, इनटू में जाएगा, तो 6 − R·। बोलो हाँ, ठीक है, 5 × 4·, अब इसको देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको एक घटा करके, है ना, तो एक काम करता हूं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, और जो नीचे ये 4 − R है इसमें से एक जो है वो घटाते जाते हैं, सॉरी अगर इसमें से घटाएंगे तो होगा यही, इसी को घटाना होगा, 6 − R, 5 − R, फिर 4 − R·, होगा ना, इसके बाद नीचे कितना है 4 − R·। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये और ये क्या हो जाए, मेरा कैंसिल हो जाए, हाँ है ना। आप जानते हो कि जब भी मैं लिखता हूं 4 × तो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, और इस 2 × 1 को हम लोग 2 × भी लिख सकते हैं, तो 4 × 3 × 2 × काफी इजी है। तो उसी तरह से यहां भी हम लोग लिख सकते हैं 6 − R·, को 6 − R, फिर इससे एक कम, तो जब इसमें से एक घटाऊंगा तो ये 5 − R हो जाएगा, फिर इसमें एक घटाओ तो 4 − R हो जाएगा, और फिर यही मैंने क्या लगा दिया, फैक्टोरियल लगा दिया। अब देखिए कि 4 − R से 4 − R चला गया, और इधर क्या बच गया, इधर है मेरा 6 × 5·। अब ये देखो क्या हो गया, हाँ अब ये जो है वो 6 − R × 5 − R तो हो गया, ये 5 से ये इनटू होगा, तो ये सॉरी 4 × का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और इनटू में 5 हो गया ये, और इनटू में जब इसको इनटू करोगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 5 R, अब इसको जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 R, और जब ये इस R से इस R को इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा +R², और इधर हो जाएगा 6 × और 5 को अगर हम लोग करेंगे फैक्टोरियल तो कितना होगा 5 का फैक्टोरियल, 120। ठीक है, अब जो है इसको केवल कुछ नहीं करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये 6 है ना, तो ये 6 से देखिए ये कटेगा 4 बार में, और 4 से देखिए ये कट जाएगा 30 बार में, और फिर देखिए ये 5 से कट जाएगा ये यहाँ पे 6 बार में, और वहां तो 6 हो गया। ठीक है, अब यहां कितना हुआ, तो ये तो सब खत्म हो गया, 1 1 बच गया, ये बच गया R². मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये बन गया R² −−+ और 6 5 11, तो ये हो गया 11 R, और ये हो गया +30, और उधर का जो +6 है इधर आएगा तो कितना होगा सर जी, −6 = वहां बच गया 0। ठीक है, आगे मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कंप्लीट इक्वेशन जो बनेगा वो होगा R² −11 R, और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस,
तो 30 में से जब 6 जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस 24 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ये 24 है और 24 को अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइज तो ये होगा 2, 12, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा तो 3। अब इसको कैसे भी करके आपको जो है वो 11 लाना है, तो आर स्क्वायर माइनस, देखो तो यहां से 8R और सॉरी माइनस 3R, 8R, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये कंप्लीट 8 और ये 3, जब इसको ऐड करोगे तो 11 तो हो ही जाना है और जब इसको इनटू भी करोगे तो 24 आ जाना है। ठीक है, और प्लस में यहाँ हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से कॉमन क्या है, तो R कॉमन है, तो यहां बचेगा R और यहां से अगर R कॉमन कर दिया जाए तो बचेगा यहां से 8। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, तो यहां से बचेगा R और यहां से बचेगा 8। अब यहां इन दोनों में क्या कॉमन है, R माइनस 8, और तब यहां क्या बच जाएगा, R और यहां क्या बच जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो टर्म कभी भी 0 हो नहीं सकता है, तो या तो R माइनस 8 0 होगा या नहीं तो R माइनस 3 0 होगा। तो R का वैल्यू एक जगह से 8 निकल गया और R का वैल्यू एक जगह से 3 निकल गया। तो R का यहां जो है वो दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं सर जी, एक R इक्वल टू 8 और दूसरा R इक्वल टू 3। अरे बोलो हाँ, ठीक है, नोट करिए।